मैंने कुछ तो खा लिया था कल रात को छोले भटोरेट तो ये नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए मैंने तो वैसे ही स्टार्ट किया था मैंने सीखा भी वैसे ही है। मेरे पास भी पैसे बहुत कम थे तो मैं ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाया आज तक ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाया मैं अपने आप को भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता How do I start getting into calisthenics? So, the base of calisthenics is. Uh, introduction is all good. I think uh, why someone should watch this podcast. We mm. um, uh, established wh who we are and all that stuff. So, please go ahead. So, I'm Simarjit, as everyone knows. Yes. Uh, I'm a fitness influencer, fitness.

मेट्रो पे करतब करना सीखना हो तो उसके लिए भी है कोई बोल रहा है तो मेट्रो है कोई बोल रहा है बोल इसको जेल <laughs> में डालो so, क्या सीन है वो क्या हुआ था आई uh, क्या हुआ था एक्चुअली uh, मैं गया था दिल्ली पेजेंट के लिए ठीक है सो इट अ वेरी गुड पेजेंट ऑफ रील्स प्रोडक्शन का था प्रिंस नरुला भाई हमें ये कर रहे थे जज कर रहे थे ओके नाइस सो एक्साइटमेंट था कि नवे शहर जा रहा हूँ तो मेट्रो पहली बार देखी थी मैंने जिंदगी अच्छा, में कभी पुणे में नहीं थी अच्छा हाँ, तो ये सात साल से हाँ बनी, हाँ, हाँ, बनी रही है <laughs> तो, तो पुणे में थी नहीं आ, तो मुझे ऐसा फैसिनेटिंग लगा तो मैंने सोचा क्या कर सकता हूँ मैं आ, आता कैलेस्थेनिक्स ही था तो आ, मैं चढ़ गया और मैंने वीडियो शूट कर ली ठीक है फिर उसको मैंने एडिट किया हाँ. तो एडिट वगैरह करने के बाद आई थॉट कि लेट्स टेक इट सम अदर क्योंकि नॉर्मली तो सब देखते ही है ऊपर नी, से नीचे आता हुआ तो सब देख रहे होंगे ग्रेविटी के साथ खेलते हैं बिकॉज ऑल अबाउट एंटी ग्रेविटी सो लेट्स प्ले विथ इट ठीक है, so है. एडिटिंग में जो भी कर सकते हैं करते हैं तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया ये मैं आज <laughs> बता रहा हूँ दो साल के बाद <laughs> 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 तो वो, और बाकी उनको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे थे अगर है तो, तो, छोड़ सीधा कर दिखा रहे। तो उसी के ऊपर वो वीडियो वायरल गया है पूरा भाई ये चीज आपने बढ़िया बोले मेरी भी एक रील है कुछ दो ढाई दा, तीन मिलियन गई होगी अभी इंस्टाग्राम पे उसका मेन रीजन ही लोग झगड़े कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में आई एम आई एम टेलिंग यू दिस इफ your comment section is going negative, uh हाँ, -huh. that means your video is going Getting viral. viral. <laughs> <laughs> ये ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए कमेंट्स में सोशल मीडिया इज वेरी बैड आई एम टेलिंग यू ओके आई कम बैक टू योर स्टोरी सो पेजेंट यू सेड कि आप यू यू वेंट टू यू नो फॉर अ पेजेंट सो इज इट लाइक कैलिस्टेनिक स्पेसिफिक होता है या फिर जस्ट द बॉडी शो वाला जो पेजेंट होता है वो दिस वाज अ कंप्लीट ग्रूमिंग दिस थिंग सो इसका नाम था मिस्टर एंड मिस इंडिया स्टार मैंने शायद सुना है इसके बारे में माइट माइट बी यस सो इट वाज बाय रील्स प्रोडक्शन दिस वाज इन दिल्ली गुरुग्राम ठीक है व्हिच वाज जज्ड बाय प्रिंस नरुला ऑर्गेनाइज्ड बाय रणदीप चौधरी अच्छा तो ओके 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 शन ऑफ एवरीथिंग सब कुछ था उसमें मॉडलिंग हाँ uh, क्या, क्या होता है कि पहले तो ऑडिशन होते हैं ठीक है मोस्टली uh, हमारा जो हुआ था बिकॉज कोविड uh, से पहले हुआ था ये ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे ऑनलाइन okay. ऑडिशन okay. के बाद जानना है ऑडिशन में क्या होता है क्या करना होता है Uh, so, uh, मुझे ई मेल आया था स्टार्टिंग फ्रॉम डिरेक्टली गेटिंग इन कैसे पता चला इसके बारे में, है. मुझे आई सो दैट वी आर होस्टिंग टू फीचर यू इन टू इट ओके तो आई एम लाइक तो ऑडिशन दिया मैंने देर वर समेप टू गिव अंट्रो वीडियो सेकेंड वॉज टू गिव टेलेंट विडियो और uh, जितना घुस सकते हैं तुम्हारे उतना अंदर घुसते हैं आपके बारे में उनको पूरा जानना है तो वो बारह पंद्रह क्वेश्चन आपको Uh, मतलब शूट करके समझ गया खुद को शूट करके भेजने उनको ओके okay, okay. और उसके बाद फिर uh, टैलेंट आपका जो भी टैलेंट है तो मैंने कैलिस्थेनिक्स का वीडियो भेज दिया था okay. उनको सो आई थिंक मेरा नीश वहां पे भी कैलिस्थेनिक्स ही था बिकॉज़ मैंने वहां के टैलेंट राउंड में भी तो ऑनलाइन का ऑनलाइन हो गया वी वेंट टू दिल्ली आई गॉट सिलेक्टेड उसके बाद देयर वा लाइक 50 पीपल ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया जो दिल्ली आए थे hmm. <coughs>

हाउ यू शुड बी टॉकिंग विद पीपल वेन यू आर इन टू समू इन ऑफ द जजेस कैसे बात करना है क्या स्पीच देनी है hmm. स्पीच हमको खुद प्रिपेयर करनी है तो वो सब चीजें है और बेसिकली okay. हमेशा um, <laughs> लगता था कि Your uh, probably confidence, how you behave, how Completely. well mannered you are, and also your talent and, right? Completely. Na? Cool, right? Perfect. This was this was nice. in yes, Pune uh, Yes, 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 yes. Born and brought up. Born, Born and brought up in Pune. Born. Okay. I wanna I wanna understand who exactly Simarjeet is, if you don't mind. Uh, from like let's do five minutes of it. Okay. Who he is, what he was. Where he is today and how the journey was like. What, 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 what. Let's go. Five second quick uh, story run. Five seconds. Sorry, five minutes. <laughs> five minute quick story run. Yes, let's, let's go. So Simhajeet is a guy from the streets of Pune. Mm -hmm. When I say streets, it's actually streets. Okay. I am from Yerwada. Oh, okay. Which is uh, jo pehle uh -huh. 2010 se pehle jo bolte right? The right, right, right. I am there. Okay. तो यू कैन से आई एम फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी इट वाज इन 2018 mm -hmm. 2018 आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी कुछ पता नहीं था कि फिटनेस के बारे में क्या आई वाज डूइंग सिख मार्शल आर्ट्स गतका मैं करता था सेवेंथ से हाँ जी ठीक है तो सेवंथ से आई यूज्ड टू डू गतका एंड आई वाज वेरी थिन आई वाज 48 केजीस mm -hmm. uh, उसके बाद माय ब्रदर फ्रॉम यूएसए

It right. was a high incline for me. Right, right. Shit, right. I matter. <laughs> yeah. <laughs> oh, yeah. Now I matter. <laughs> I'm visible suddenly. <laughs> yeah. Yes. So things went on that uh, yeah. route. Huh. Ke, ha, now things are changing me, uh, changing for me because of fitness. Right. Let's get into this. Hmm. But I was so much into fitness. I got into an uh, injury. Uh oh. I got an injury uh, while doing gainer. Mm -hmm.

बट दैट मोमेंट मैं ये सोच रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है hmm. तो ये कैसे क्या हो गया hmm. है ना hmm. मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत में आया। नहीं आई वॉज डूंग बड़ा नहीं हुआ बट वेन आई वेंट टू द डॉक्टर मुझे लगा नॉर्मली कुछ तो पोस्टरल करेक्शन करेगा डॉक्टर एंड इट विल बी ऑल फाइन या फिर थिंग्स करेगा hmm. का, प्रैक्टर विल डू हिस्टाफ hmm.

कि ये नी के अंदर चल क्या रहा है okay. जब मुझे सामने नहीं दिख रहा है कुछ हुआ है हाँ. तो और है exactly. ये क्यों नहीं चल रहा okay. right. जबकि बाहर से कुछ बाहर से कुछ, कुछ नहीं दिख रहा है, है। mm. बट दर्द तो कर रहा है क्यों कर रहा है फिर दर्द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल ऑफ गॉट इनटू फिटनेस फिर उसके बाद

I started training people mm -hmm. because i was certified by then. Mm -hmm. for a year i did my certification i was certified till now i am certi uh, i am doing my studies in certification Achha. Okay. right now i'm learning special population okay so special population is basically learning about the injuries ah, okay. of each joint and uh, learning about pathologies okay all of those stuff okay aged people pregnancies and all of those stuff basically okay okay so till now i am studying uh -huh it's been like good 6 years uh -huh. now and uh, that's how the journey has been okay, okay this was the transition of a normal fitness guy turning into a fitness Take coach it. cool uh, let's come to the topic that we are going to touch today okay so uh, because you are uh, focused on calisthenics and uh, आई एम अंप्लीट नूव मतलब मेरा बॉडी फैट परसन ट्वेंटी बट ये बताने वाली चीज नहीं थी मेरे को नहीं है कम हो गया कम हो गया कम हो गया लेकिन एक मिनट में जैसे बताया वैसे कम हो गया बट हाँ सम डे इट वॉज लाइक फिफ्टीन परसेंट पे हुआ करता था मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट पे आई डोंट नो शिट अबाउट कॉलिस्ट ओकेट ऑफ पीपल

पहले की <coughs>

जब जंग होती थी हैव टू बी फिजिकली दैट फिट कि एक बंदा एटलीस्ट कम से कम सौ लोगों को मार सके राइट right. सो so, अभी अगर हम इंडियन रीजन में आएंगे तो uh, हमारे यहाँ के जो फौज थी hmm. वो भी uh, चीजें प्रैक्टिस कर रही थी सो इन सिखिज्म, वी वर गतका इन गो सिख मार्शल आर्ट्स है. They knew. है. Toh, aisa ही, Greek में भी चल रहा था दे आर प्रैक्टिसिंग ओके। नाउ द थिंग इंडियंस भी करते आ रहे <laughs> बहुत पहले से okay. Okay. Ki, नहीं मिला था हाँ, नहीं? की एक

मेन थिंग यू कैन डू इट एनीर एंड यू कैन डू इट एवरीवेयर पहाड़ों पर जाकेस्तिक मतलब uh, ट्रेक हो जाता है ट्रेक के साथ कंटेंट भी निकल जाता है और मेरे जो दिल को शांति मिलती है ऊपर uh -huh. जाके हैंड स्टैंड करके माई गॉड तो कैलेस्थनिक्स इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस एवरीवेयर एंड यू डोंड एनी थिंग रादर देन यूर ओन सेल्फ राइट

<laughs> तो <अभी laughs> कुछ तो तो कुछ करना था ना तो हम घर पे पे कर रहे थे घर पेड स्टैंड यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टार्टेड ऑफ होम वर्कआउट आप अगर नोटिस कर रहे हो 2020 2020 एंड 2022 के बीच में ऑल द फर्म्स जितने भी बड़े बड़े जिम्स थे फॉर्म्स थे देवर डिलीवरिंग होम वर्कआउट राइट 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 डूंगे घर पे सबको सिखा रहे थे ना प्लस पॉइंट उनके पास था जिनके पास होम इक्विपमेंट्स थे पोर्टेबल डम्बल्स पोर्टेबल इक्विपमेंट थे राइट जिनके पास इक्विपमेंट नहीं थे देवर फिगरिंग आउट क्या करना है

So things were pretty bad, also because many of us were depressed. Yeah, yeah, yeah. A lot of and us. The reason um, was that physically, was interaction. Nahi exactly, a lot of people lost lives and all that stuff. So it was not great time, but I think uh, for the ones who were lucky like us to uh, you know be uh, be alive, <laughs> uh, we I think it was a much needed restart button. सही जो people. जिसको करना था वो तो सब कर रहा था फिटनेस uh, वाले कैलिस्थेनिक्स कर रहे थे बिजनेस uh, वाले स्टॉक्स कर रहे थे uh, uh, तो सब <laughs> का जिसको करना था वो तो अपने तो हिसाब तो से हो कर हो। रहा था जो करना था आई एग्री आई एग्री कूल भाई um सो नाउ आफ्टर हियरिंग दिस आई गॉट इंटरेस्टेड इन कैलिस्थेनिक्स ओके सो मेरे एग्जांपल लेते हैं एंड यू टेल मी हाउ डू आई स्टार्ट

मसल अप्स इज बेसिकली पुलिंग योर बॉडी थ्रू अ बार एंड देन पुशिंग इट अप अब द बार मतलब आप पुल अप कर रहे हो एंड देन ट्रांजिटिंग इट इन टू अ स्ट्रेट बार डिप एंड देन पुशिंग इट अप मतलब आप एक पोल के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे हो विदाउट यूजिंग योर लेग्स और एनीथिंग एल्स इट्स जस्ट कंप्लीटली हां मैं समझ गया तो वो एकदम ऊपर जाते हो फिर देन यू कम कंप्लीटली डाउन सो हाउ डू आई स्टार्ट दो मतलब पर लाइक अ will not be able to do one pull up yes, right yes, now yes, that's the main not thing. me so now, i can do <laughs> so me. now there are regressions and there are progressions of each exercise chalo theek hai batao ye kya hota hai jo abhi main bol raha hu ki push up pull ups p bar dips ye ab hum jaiso ke liye ye workout ho chuka hai right but for few people huh. this is a skill okay. learning a push up is a skill right learning a pull up is a skill for them okay okay uske liye bhi regressions hote hain

और right? so no. if, if so, रिग्रेशन है, uh -huh. होते हैं प्री रिक्विजिट मीन्स अगर आपको uh, हम्म hmm. right? okay. जैसे कि आपके स्कैपुला हो गए बेसिकली हैंगिंग एंड जस्ट डूइंग एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये तो आना चाहिए अगर ये ही नहीं आ रहा है uh -huh. तो पुलअप तो छोड़ दो तो. <laughs> uh -huh. ऐसा है तो, okay. ऐस तो नहीं, नहीं, यू कर कर वैसा भी बट इंजुरी प्रोन है फिर वो भगवान भरोसे आप कर रहे हो अच्छा जैसे हमने स्टार्ट किया था तो hmm. देर वहां पे एक ट्रेनर का होना बहुत जरूरी होता है hmm. क्योंकि जब हम खुद ट्रायल एंड एरर्स करते हैं hmm. तो इट टेक्स मच मोर टाइम देन व्हाट क्योंकि वो बंदे ने पढ़ाई की है ना उसने exactly, तो उस पता वो पता वो है कि जल्दी कराएगा सब चीजें आई एग्री टाइम वेस्ट करने से अच्छा बिकॉज टाइम इज मनी आई थिंक नहीं नहीं आई एग्री वो वहां पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ट्रायल एंड एरर्स में बेटर है ऐसे get करो गेट गाइडेंस गेट गाइडेंस अपन ने बात कर ली कि स्टार्ट कैसे करते हैं रिग्रेशन वगैरह से चालू करते हैं बट अगर बहुत ही मोटेल हो गया जो शायद 100 किलो वगैरह के हैं सो हाउ कैन दे स्टार्टेड मतलब इट लुक्स इंपॉसिबल फॉर देम व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ मोस्टली ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है mm. मैं कह सकता हूं मिथ है mm. कि कैलिस्टेनिक्स इज ओनली फॉर स्किनी पीपल और लीन पीपल व्हिच इज कंप्लीटली फॉल्स

तो वो सब करता है वो बींग हंड्रेड प्लस के सो इट्स नॉट की मोटे लोग कर सकते नहीं कर या नहीं मोटे लोग बिस्तर से उत, उठते नहीं है वो अलग बात है <laughs> 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 तो अगर आप बिस्तर से उठने के लिए रेडी हो तो कैलेस्थेनिक्स आपके लिए है द रीजन आई एम गेटिंग फैट गाइस पूरे दिन में पचास कदम चलता हूँ रिग्रेशन अगर आप प्रॉपरली स्केल डाउन कर सकते हो तो कोई भी बंदा कोई भी बंदी कर सकता है But भाई लेकिन how do you get people to start with this? मतलब पहली बात तो वो बहुत मुश्किल है कि यू you नो know, uh, उतना कॉन्फिडेंस आना कि चलो ठीक है नहीं आई टू गेट इनटू दिस एंड एवरीबॉडी आई है जो लोग मोटे हैं वो भी करते हैं एवरीबॉडी आई like तो हुँ।

जिम बिकॉज देर वॉज नो अदर वॉट कैन यू से इंस्टीट्यूट दैट वॉज गुड नाइट तो एक जिम ही है जो जहाँ पे आप जाके आपकी बॉडी बना राइट राइट right right तो है. मुझे भी वहां पे मेरे भाई ने बोला कि तू जिम जा सही है तो मैंने भी वहां से जाके मेरे दिमाग में ये था कि जाके फिजिकली फिट होना है तो जो भी अवेलेबल था मैंने उससे स्टार्ट किया बराबर आई तो स्टार्टेड विद जिमिंग ठीक है एंड देन जून जुलाई स्टार्टेड कैलेस्थेनिक अभी आफ्टर सिक्स नाउ आई नो दैट आई कुड दे

Right? Okay. So, But... it's just कि आपको कंडीशन किस तरह किया आपको प्रोग्राम किस तरह किया है माइंड ने सो so, आप ये सब करियर में भी ले सकते हो अ इंजीनियर विल बी गुड इन इंजीनियरिंग बिकॉज ही इज प्रोग्राम इन दैट वे उसको पढ़ाई वैसी कराई गई है राइट right. स्टार्टिंग से राइट right. right? तो वही है जिमिंग में भी हमें पढ़ाई ही वैसी कराई गई है कैलिस्थेनिक्स में यू आर लर्न एंड यू आर स्किल्ड टू डू सम थिंग्स यू हैव टू टू गिव टाइम एवरीथिंग नहीं ठीक है आई अंडरस्टैंड बट देन दिस इज अ गुड सेगवे टू गेट अ गुड क्वेश्चन एंड विच इज ऑल ओवर द इंटरनेट पीपल टॉक अबाउट वेट लिफ्टिंग वर्सेज कैलेस्थेनिक्स अब इज देयर इवन वर्सेज एंड इफ येस किस चीज की बीफ है

जो आ, समझदार है hmm. वो बीफ करेगा hmm. लेकिन जिसको समझदार बनना है hmm. वो दोनों करेगा <laughs> अब आप सोच लो आप समझदार हो yeah. या आपको समझदार बनना है और समझदार बनना है okay. Okay. तो आई डू बोथ ऑफ देम ठीक है बिकॉज मुझे तो एक्सेल करना है जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें राइट right. तो जो भी आपके मन को शांति दे रहा है जो आपको लग रहा है कि आप उसमें जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो हाँ. या आपको उसी चीज में प्रोग्रेस करना है यू कैन डू दैट आई स्टार्टेड विद वेट लिफ्टिंग एज एडिकिंग आई गोट इन टू कैलेस्थेिक्स बिकॉज मैं आई एम दैट वन पर्सन इन द उड हाँ तो वो एक ठीक है प्लस पॉइंट मुझे लगा तो मुझे आ, ऐसा हुआ कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आ, अपना जो बेस था वेट लिफ्टिंग का वो छोड़ रहा हूँ नहीं आई एम स्टिल तो मैं तो दोनों करता हूँ बाकी बीफ पता नहीं कौन कर रहा है बट <laughs> 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 ये जो आ, आईदर और वाला सीन है सो आई आई न्यू दिस एज वेल की हाईब्रिड एक चीज होती है जिसमें लोग दोनों करते हैं करेक्ट बट आई और वाला जो चीज है डू यूटीरियर टू अदर इन एनी वे सी इट्स कंप्लीटली डिपेटेबल ओके अब मैं अगर ये कहूंगा यहाँ पे बैठ के मच मोर सुपीरियर देन वेट लिफ्टिंग तो पूरी कम्युनिटी एक साथ आके मेरी <laughs> पूरी वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी आके मुझे गालियां देगी करेक्ट राइट और अगर वही मैं बोलूँ की पावर लिफ्टिंग है सुपीरियर देन तो वो भी मैं गालियां खाने के लिए रेडी हूँ बट द्रोथ इज की वाई नॉट बोथ राइट इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल एज अंग टू गो टू दैट हाई पोटेंशियल दोनों करो ना ठीक है क्यों आपको मतलब क्या किस चीज के लिए रोकना है खुद को राइट right. अगर आप कंपीट कर रहे हो किस चीज में ठीक हाँ. है. अगर पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करना है then leave calisthenics. Right. Because hmm. आपको वो एनर्जी पावर लिफ्टिंग में डालनी चाहिए राइट एंड कम्पीट इन कैले लीव पावर लिफ्टिंग राइट लीव रनिंगट ओके ओके

सो so बेसिकली कितना हेवीएस्ट आप मसल मसल अप कर सकते हो कितना हेवीएस्ट आप पुल अप कर सकते हो कितना हेवीएस्ट आप स्कॉट कर सकते हो और कितना हेवीएस्ट आप पैरेलल बार डिप्स कर सकते हो इंडिया में होता है हाँ कहाँ सो मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया स्ट्रेंथ वॉर्स वो कर है? रही है पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है मसल बार व्हिच इज होल्डिंग बारबेरियन तो हम uh,

हाँ, ये क्या है हाँ, तो जहाँ पे आप देख सकते हो आ, फ्री स्टाइल होता है बेसिकली कम्बाइन ऑफ स्टैटिक मूवमेंट्स एंड डायनेमिक मूवमेंट्स सो जो ह्यूमन फ्लैग फ्रंट लिवर बैक लिवर all of those stuff, मैं अगर आप बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ इसमें क्या, क्या क्या होते हैं चलो so, ले, ले, ले ले मैं आपको समझाता हूँ कैसा चलता है ये कॉम्पिटिशन सो so, एक कॉम्पिटिशन में होता है फाइव राउंड ठीक है ठीक है

पुशअप कर रहे हैं विदाउट योर लेग्स ओह ओके तो हैंडस्टैंड वाला हैंडस्टैंड वाला पुशअप हैंडस्टैंड स्टैंड इज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू द फ्लोर प्लांच इज पैरेलल टू द फ्लोर वो कैसे करोगे आप मतलब हाउ कैन यू सो पुशअप्स विद विदाउट योर लेग्स आई मीन हाँ तो पूरा हाथों पे ऊपर है ऐसे कैसे हो सकता है होता है सो <laughs> so,

Oh my fucking goodness bro इस <laughs> इसमें भी अभी इसको push up कर सकते हैं इसके हाँ, साथ इसमें push up भी करते हैं लोग अभी ये विदाउट वार्म अप था तो मैंने ज्यादा होल्ड नहीं किया नहीं नहीं नहीं। कोई बात अगर करना है कॉम्पिटिशन में इसके लिए तो का अच्छा। okay, ठीक है बढ़िया बहुत सारे मैं और <laughs> 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 आ, क्या so, so, ये क्या। होता है तो का उनको एंड पीपल डू से फिर टॉप टेन आते हैं जो भी होते है वो एक दूसरे से राइवलरी करते हैं Oh. तो ये इसका बेस्ट सेट देता है वो उसका बेस्ट सेट देता है उसमें से जो जीतेगा वो टॉप थ्री में जाता है तो वैसे यू गेट टू बट जो uh, uh, yes, yes, so, so, yes. चीज है ये करनी है इसमें चारे. से जो सबसे अच्छा करेगा वो नो 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 इट्स फ्री स्टाइल जिसको जो आता है वो करता है आच्छा. और कभी कभी हाँ. Once, once in a year at least, में अभी चल रहा है जो इंडिया में किसी ने नहीं देखे कोई ना कोई आता है और कर देता है वो मतलब पागल हो जाता है एंड वी गो क्रेजी गो क्रेजी की भाई ये क्या कर दिया दैट इज द मोस्ट मैजिकल मूवमेंट ओह इन ऑल डी कंपटीशन सॉंग वेरी फन बाय डी कम्युनिटी सॉंग वेरी फन इट्स डेट डी कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि दिस स्टार्टेड विथ एआईएसवी एंड मसल्बार हां जी तो 2019 में मसल्बार स्टार्टेड 2018 आई गेस इफ इफ आई एम नॉट रंग एआईएसवी स्टार्टे� तो इलीसियम कैलीपार्क स्टार्टेड कैलेस्थेनिक्स इन इंडिया एंड फ्रॉम देयर AISW स्टार्टेड देयर ओन ब्रांच AISW ने स्टार्ट किया कैली 101 दे स्टार्टेड इंडियन स्कूल ऑफ कैलेस्थेनिक्स तो उसके बाद मतलब उससे उसके बीच में ही मसल बार भी स्टार्ट हुआ है तो ये पूरी एक कम्युनिटी ही बन चुकी है बिकॉज़ इलीसियम कैलेस्थेनिक्स पार्क में जो

oh if you are doing it wrong enough okay and uh, if you are doing it right enough to तो aapko push ups karne se bhi agar 40 50 push up bhi kar rahe ho ek sath to bhi aapko kuch nahi hoga hmm <clears throat> right hmm. so wherever you get good guidance start there and but how do you tell what is a good guidance i mean i can pay a trainer i don't know how qualified he is uh, check karo certifications kai certifications ho jayega

जिम की एक दिन की तो होती है वो फ्री ट्रायल तो सभी दे देते हैं हाँ. एक एक दिन ना मैं पूरे पुणे के क्लब खत्म कर लूंगा मैं दो महीने <laughs> <laughs> तो बट वो ही होगा फिर आपके साथ ट्रायल एंड एरर होगा क्या बोलते हैं सरेंडर कर दो उसके हिसाब ने सब कुछ ये ये चीज पे मैं आना चाहूंगा सो जहां तक मैं जानता हूँ इन जिम

सिर्फ ट्रेनर्स ही नहीं जो आपके साथ आपके एनवायरमेंट में मेंबर्स और भी उनसे जाके नॉलेज शेयर करो राइट right? कुछ गलत शेयर करेंगे बट दैट्स अगेन ट्रायल एंड एरर राइट अभी बट्स आर हंड्रेड पीपल इन द जिम तो पचास आपको गलत ज्ञान देंगे और पचास आपको सही ज्ञान देंगे उसमें से आपको कौन सा ज्ञान लेना है वो आपके ऊपर है ठीक है तो ज्ञान दो और ज्ञान लो तो मतलब फ्री में काम हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं यू नो मतलब पैसे देने पड़ेंगे कोच को मैं थोड़ा सा हम्बल होके आई कैन आस कैन हो जाएगा इट्स नॉट द सी आई आई पर्सनली फील कि फिटनेस कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत गिविंग है हाँ हाँ तो हम सब रुखे होते हैं एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए राइट 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 तो मैंने तो वैसे ही स्टार्ट किया था हाँ मैंने जी. सीखा भी वैसे ही हाँ. मेरे पास भी जैसे आपने बोला पैसों की कमी होती है मेरे अपने भी पैसे बहुत कम थे, तो मैं तो, yes, exactly. <laughs> तो मैंने भी ट्रायल से बट हाँ। मुझे छह साल लग गए तो अगर आपके पास पैसा है हाँ। तो आप छह साल मत लगाओ छह महीना एक कोई तो स्पेसिफिक ट्रेनर ढूंढो एंड सरेंडर सरेंडर सेल्फ टू हिम है ना बेस्ट And and I sort of agree with you. And there is going to be a follow-up question on this. So I think, four, four months ago, I went to gym again. And after I don't know hundreds of times, or this time I got a trainer. This hmm. is the first time I got a trainer. That hmm. okay, let How I don't know, uh, how it will happen, but let And I used to do the exact same thing.

right he's been training n number of people right right so he knows right. ki at what point kya karwana hai aapse kya karwana hai aur at what point your muscle is fatigue hmm. and at what point it might break right right right, right. like kaun sa movement कितने इंटेंसिटी पे आजी. वो आपको बेनिफिट कर रहा है हाँ। और उसके आगे वो आपको पेन या हार्मफुल है आपके लिए ऐसा भी होता है यस 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 प्लीज बताओ भाई इसके बारे में सो बेसिकली लेट्स टेक इट इन दिस वे कि uh, अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके एक चीज है ठीक है ठीक है तो अगर हम uh, अगर एक बंदा है जो पुशअप्स कर रहा है इन हिज रूटीन राइट तो वो एक हफ्ते करेगा फिफ्टी uh, पुशअप्स ठीक है एक दिन में मतलब ठीक है uh, एक हफ्ते में एक पुश डे होता है हाँ जी

एक रिग्रेशन पे ले जाएगा विच इज नी पुशअप अगेन बट दैट वॉल्यूम शुड बी केटर्ड राइट वो वॉल्यूम टारगेट करना ही है ओके okay. okay. उससे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा हाँ. तो वो एक ट्रेनर आपको बता सकता है राइट राइट ज्यादा टेक्निकली में ही विल बी मार्किंग थिंग्स डाउन फॉर यू एंड जो आप नहीं कर पाओगे शायद आपके बिजी स्केड्यूल के वजह से नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत फिटनेस uh, को लेके एंथुजियास्ट है राइट right. तो वो तो करेंगे खुद को मार्ट राइट राइट बट नॉट एवरी अदर यू नो कम्प्लीटली फ्री वो कर सके उतना एंड ऑल आई एग्री बट मेरे को ये बताओ आप जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था वॉज कि इज अ पॉइंट जहां पे द रेप्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू विल स्टार्ट हार्मिंग यू एंड इफ येस दैट पॉइंट इफ ऑफ कोर्स क्योंकि सी एक चार्ट है जिसमें यू टॉक अबाउट द इंटेंसिटी एंड यू टॉक अबाउट द लेट्स सपोज द फ्रीक्वेंसी ओके तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्कआउट इज हायर द इंटेंसिटी शुड बी इंटेंसिटी शुड बी लोअर अच्छा ठीक है ठीक है एंड इफ द इंटेंसिटी इज हायर

यू कैन नॉट बी मैं तो लाइक करता हूँ सारी गालियों को मैं भी मैं सारे खालिस्तानी खालिस्तानी बोल रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं भाई खालिस्टेनिक्स ये ओह गॉड यार मजा आ गया भाई आपको मराठी आती है भाई हाँ हाँ मराठी बोलने वाला सरदार मैं मैं लिटरली रिप्लाई करता हूँ कहीं कहीं पे जय महाराष्ट्र <laughs> अच्छा अच्छा कल मैंने स्टोरी डाली थी अपने मनु भाकर और सरबजीत सिंह जी। ये जीते ना इसमें ओलंपिक में हाँ, ब्रोन्स हाँ, तो मैंने स्टोरी डाली उसी की हाँ, और मैंने डाल दिया पंजाबी आ गए हुए हाँ, विथ नेशनल फ्लैग ठीक है अब उसमें मुझे कमेंट किया एक ने मतलब रिप्लाई किया कि

मतलब क्यों नहीं आ सकती भाई वो पंजाबी है तो पंजाबी थोड़ी आती है मतलब मैं नहीं हूँ महाराष्ट्र को आती है मराठी मराठी तो लेकिन भाई बोल के बड़ी, बड़ी ऐ, आग 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 में भाई में कुछ बोलोगे बड़ा बढ़िया लगेगा क्या क्या आप देख के पता ये इंसान के मुझसे निकलेगा सारी भाई। अच्छा ओए पापा जी। पापा जी। और <laughs> या फिर ऐसा कुछ निकलेगा और बोल रहा है। <laughs> तो, इट्स इट्स वेरी मैं मतलब होता है, होता है। मैं कभी-कभी ट्रैफिक में रहता हूँ ना, तो कभी-कभी हाँ। निकलता है आई सोली <laughs> <laughs> तो वो होता है ओ <laughs> गॉड oh भाई ऐसे वैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जैसे टर्बन देखेंगे ना ओ पाजी ओ पाजी करते रहते हैं अच्छा व्हाट इज दैट आई नेवर अंडरस्टूड एंड आई डोंट नो हाउ पंजाबीज फील अबाउट इट सो क्या हुआ ना मतलब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे तो मैं आई डोंट गिव एनी फक्स मतलब वो तो ओ hmm. oh, पापा जी कमेंट्स हाँ, में दे आर लाइक Uh, no कि कौन बोल रहा रहा है क्या तो हाँ तो मैं कर देता अभी हम पाक में घूम रहे थे हाँ। ठीक है तो देर फाइव पीपल वॉकिंग बिहाइंड तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला लाइक नवा नवा खून है तो एक ने पीछे से आवाज दी ओए लस्सी <laughs> 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 अब अब इंस्टाग्राम पे हम तो सोशल मीडिया पे हम अराउंड uh, कर देते हैं इसके ऊपर। मैंने उसको बोला भाई कुछ करना है क्या इसका hmm. तो <laughs> हम लोग पीछे मुड़े और hmm. uh, उसने मुझे कुछ नहीं बोला वो पीछे मुड़ा और वो पाछों के बीच में से चलने लग गया मतलब ही जस्ट हाँ हाँ, और उनके टूवर्ड्स हाँ, उनके, उनके उनके चलने लग गया और, रहे ऊपर कोई देख ही नहीं रहे <laughs> और हम ऐसा देख रहे की एक तो आईग्लैंड दे हाँ, हाँ, और हाँ, कुछ हाँ, पंगा हो यहाँ हाँ, पे हाँ, अरे भाई साहब बट <laughs> <laughs> कुछ नहीं हुआ देवेंट जस्ट एज वो लोग थोड़ा सा आगे चल गए तो हम घूम गए मेरा भाई घूम के बोलता है जब मुंह पे नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे क्यों बोलना है हाँ। ये क्या इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन दिख रहा है क्या सारे <laughs> 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 सामने वो पेल दूंगा अभी एक दो चार्टे दूंगा ना दूंगा। तो so, सही हो जाओगे। आई डोंट नो इन दिस केस पर्सनली जब ये सब होता है तो यू गेट ट्रिगर्ड एट दैट पॉइंट बट नहीं होना चाहिए No, I mean... चलो अभी वो स्ट्रेंजर्स थे तो शायद इसीलिए हम ट्रिगर हुए बट हमारे जो ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स एंड ऑल उसमें तो हम भी करते हैं फिर हम लस्सी बोलते थे एक दूसरे मतलब वो हमें लस्सी बोल रहा है मैं वड़ा पाव बोल रहा हूँ <laughs> कोई किसी को इडली बोल रहा है तो वो चलता रहता है

अच्छा फिर वो रील देखने का मजा नहीं आता है, थोड़ा सा सा, सा बच्चा है और वो कुछ लस्सी पी रहा है और वो बोल रहा है कि वृंदावन आकर अगर लच्ची नहीं लच्ची का मजा नहीं लिया तो कैसे है लिया बोलते <laughs> <कौमेंट> <laughs> रुक मुसलमान के आईडी गाली देता अच्छा कुछ भी आ, अगर इंस्टाग्राम पे ना रिलीजन के हिसाब से ना बहुत कुछ चल रहा है मतलब पता है कैसे मतलब इफ यू पोस्ट समथिंग ऑन रिलीजन इट विल बूम हाँ भाई मतलब वो तो कमेंट सेक्शन ही है ना बिकॉज ऑफ द कमेंट सेक्शन ऑफ कॉर्स तो मेरे दो रील वायरल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिटी एंड रिलीजन ओह माय गॉड तो एक में मैंने एक में हमने वीडियो बनाया जिसमें वी आर डूइंग मसल अप्स तो मेरे मेरा जो पार्टनर है hmm. तो वो मसल अप तो वी आर अप ऑन द बार hmm. तो मेरा पार्टनर बोलता है चल लास्ट ट्रिप एंड वी गो डाउन एंड देन वाई कमिंग दैट्स द लास्ट ट्रिप सो ही सेज या ली मदद एंड देन एंड देन आई से एंड देन आई से वाई ग्रुप एंड देन वी हैव पोस्टेड इट एज व्हाट्स योर रोल Oh तो सब कमेंट कर oh और आप सोचो डाक कितने डाक हो सकते हैं कमेंट्स तो उसपे मुझे खालिस्तानी नहीं, खालिस्तानी नहीं बोल रहे सब <laughs> मैं बोल देता हूं, एक दिन अपनी फोटो डालो और लिख दो खट्टी लस्सी <laughs> <laughs> क्या भाई मतलब इफ यू कैन टेक जोक्स ऑन यू भाई आपसे बड़ा किलर नहीं है भाई कोई इफ यू कैन टेक जोक्स ऑन यूर सेल्फ मेक जोक फन ऑफ यूर अब से बड़ा कोई क्लियर किलर नहीं है यू विल गेन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जो that's... गाली दे रहे हैं ना वो ही आके प्रेज करेंगे हां हां व्हिच मींस कि यू आर ओपन टू सार्केजम एक्जेक्टली 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 एंड इट डजंट बदर यू द मोमेंट समथिंग बदर्स यू पीपल विल ट्राई टू प्रिक इट राइट इनटू योर एस सो दैट्स देयर अगर आप आपको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो पीपल नो कि इसको ट्रिगर कैसे करना exactly. अगर आप चिड़ोगे तो लोग चिढ़ाएंगे चिढ़ाएंगे हमने परसों के दिन हमारा एक फ्रेंड आया था वो, आ, वो था भाई चिड़ाएंगे मतलब देख लेना डालना नहीं डालना देना ये वाला पार्टी और <laughs> हमने वो उस दिन वो वीडियो देख ली भाई जिससे मर्द समाज डरा हुआ है वो वाला इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा है आपने वो वीडियो है <laughs> कैसे एक्सप्लेन करूं मैं मर्द समाज पूरा डरा हुआ है भाई वो दा, दारू पी होते हैं दो दोस्त ओ <laughs> हाँ भाई, भाई। तो वही भाई एक्जेक्टली वही एक्जेक्टली वही तो वो हमने वीडियो ये इसके पास सेव है वो वीडियो इसके इसे डाउनलोड करके रख रखा है ठीक है तो हमने वो वीडियो दिखा दी इसने मेरे को उनको सबको और वो आदमी थोड़े से हैं भाई कि मेरे को नहीं भाई ये की बातें मेरे साथ मत किया करो मेरे साथ किया ही मत करो हम तो ठीक है फिर भी मजाक कर लेते हैं वो नहीं, बहुत सीरियस है उस चीज पे और ये चीज हमको तब पता चली हमने बहुत बार कॉन्वर्सेशन करी और वो इज लाइक वेरी लाइक होमोफोबिक है वो प्रॉपर <coughs> उसके बाद से उसने मेरे को हमको ये चीज़ बोली कि आपको जिस चीज पे मजाक करना कर लो ये चीज के बारे में बहुत अचीव नहीं करना वो पॉइंट है और आज चौथा दिन होगा मजा लो हमने और कोई चीज के बारे में बात करी हो बंदे से सो मार के रखी उसके पूरे टाइम की जीत भाई थोड़े से पेट तो आपका भी निकला जा रहा सो <laughs> so हाँ हम करते हैं हम करते हैं तो जहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं मेरा दोस्त है हा? नाम लू या नहीं पता नहीं तो मैं बहुत छेड़ता हूँ उसको हुँ। तो वो कुछ भी करता रहता है ना कोई भी स्किल करता है yeah. तो ग्लूट एंगेजमेंट इज वेरी नेसेसरी इन मोस्ट ऑफ द स्किल्स तो मैं पीछे से दबा 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 <laughs> पीछे से बहुत करते हैं हम ऐसे ऐसी चीजें बहुत होती है oh God. तो वो ऐसा एक बॉन्ड बन चुका है अच्छा uh -huh. ये है मतलब इन uh, आई गेस इन एवरी मेल हाँ भाई हम इतना क्लोज हो जाते तो वी स्टार्ट थोड़ा सा ऐसा नहीं मतलब हाँ मतलब मैं नहीं मारूंगा तो आई एम मेकिंग यू बेटर फॉर मतलब मेकिंग यू रेडी फॉर सोसाइटी सोसाइटी तो मारेगी भाई तो मैं थोड़ा सा तुमको रेडी कर रहा हूँ <laughs> हाँ, <laughs> बट वो एक एक्सटेंड तक ही होना चाहिए <laughs> <laughs> वो भाई, क्या घटिया वीडियो था बट अगेन आई डोंट नो इसको डालना है कि नहीं डालना है लेकिन हमने वो वीडियो स्टडी किया है भाई <laughs> उट इट इट इज भाई इट इज नॉट पॉसिबलिबल मतलब गंदा था मैंने मतलब पता है, बहुत चल रहा था वो हाँ, हाँ. तो मैंने बोला क्या चल रहा है हाँ, आदमी को वो, वो शक, हाँ, शकल दिखा रहे पता नहीं क्या तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाँ और मुझे समझा और जैसे मतलब वो रूम में आया और उसने थोड़ा सा ऐसा ये किया मैंने सीधा कट 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 <laughs> नहीं देखना देखना ही नहीं ऐसी चीज देखनी नहीं जो भुला ना सके <laughs> भाई दिमाग में चल तो, uh, uh, <laughs> तो, तो भाई हमने उसको स्टडी किया है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स उसके बाद हाउ क्लीन इट वॉज हाउ हेयरलेस इट वॉज हाउ इी इट भाई <laughs> और मैंने <हमें laughs> फिगर आउट किया इट वाज स्टेज इट वाज एंड लेटर ऑन वो शायद बंदे को पकड़ा और ही वाज ही टोल्ड कि आई एम अ एडल्ट मूवी मेकर तो वो स्टेज था सारा चीज <laughs> <laughs> <I'm laughs> लेकिन I'm भाई साहब जो हमारी शक्लें देखने लायक थी जब हमने पहली बार वो वीडियो देखी थी हम वो क्या yeah. <laughs> मैं तो मैं तो जब देख रहा था मैं था भी गलत जगह पे कहां रे मैं जिम में था और मेरे पीछे ही कैमरा था मैं मेरे को रियलाइज हुआ मैंने बोला भाई हटाओ ये सब <laughs> <laughs> जहाँ पे अच्छी इमेज है वहां पे खराब हो जाएगी जल्दी हटाओ <laughs> <ओ> भाई लोग मीठी लस्सी ओह गॉड भाई हमारे हमारे जिम के बंदे भी इतने हरामी है ना हाँ। कोचेस को हम छोड़ते नहीं है क्या बात कर एक दूसरे के इतने इतना रोस्ट करते ना एक दूसरे को हाँ। तो डर तो मेरे दिमाग में पहले होता ये वीडियो ना किसी के पास चले जाए ये मेरा मीम बन जाएगा <laughs> ग्रुप में ओह oh, भाई यू स्टार्टेड विद वेट लिफ्टिंग एंड नाउ यू आर इन कैलिस्थेनिक्स अब मेरे को ये जानना है कि इफ आई वांट टू गेट इनटू कैलिस्थेनिक्स राइट

तो बेसिकली अगर आपको आपकी ब्रैक, बैक करनी है, आप सुपरमैन कर सकते हो तो सुपरमैन होल्ड इज अक्टर स्ट्रेंदर इरेक्टर स्पिने इज अ मसल ग्रुप विच इज आपके पूरे स्पाइन के साथ अज्वाइंट है okay. मतलब आपके स्पाइन को जो रख रहा है जी

स्पाइन को इरेक्ट करने के लिए आ, बना है ओके ठीक है तो बेसिकली वो होता है इरेक्टर पीने के लिए तो जो आप सुपरमैन होल्ड्स करते हो बेसिकली यू आर लाइंग लाइंग डाउन ऑन योर स्टमक आपके पेट के बल लेटे हो आपके हाथ ऊपर है और आपके पैर भी ऊपर है।, है, <laughs> है तो वो होता है मतलब आपका पूरा बैक का स्ट्रेंथ यूज हो रहा है स्पाइन स्ट्रेंथ यूज हो रहा है टू इरेक्ट योअर होल बॉडी

Uh, तो उसको आप रेंज uh, ऑफ uh, जो कहते हैं हम टेम्पो उसका जो टेम्पो है वो आप डिसाइड करो कि आपको टेन सेकंड्स में एक रैप करना है या एक सेकंड में दस रैप कर रहे हैं सॉरी uh, एक सेकंड में दस रैप तो नहीं हो सकते <laughs> uh, <laughs> या 5 uh, सेकंड में दस रैप करने ओके ओके सो आप टेम्पो के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो इंटेंसिटी <laughs> क्या होगी अच्छा ठीक है सो so, मेरे को मेको ना लेट्स डू दिस गिव मी टॉप 5 वर्कआउट्स टू स्टार्ट विद I'm a new beginner. I don't know shit about anything. Give me five workouts to to start with without any Without any any so there are uh, levels to it. Hmm. Firstly, उ hmm. well, कुछ नहीं आता मेरे मैं करन... तो आप कर सकते हो करोट इन नो देखी उसने जीवन में ओके okay. सो so, uh, अगर आपको पुशअप भी नहीं आता तो यू कैन स्टार्ट विथ हाई प्लैंक शोल्डर टैप्स यू कैन डू हाई प्लैंक हाई प्लैंक टू लो प्लैंक विच इज गुड फॉर योर शोल्डर स्ट्रेंथ ठीक है फिर उससे एक लेवल आगे यू कैन स्टार्ट डूइंग नी पुशअप्स ओके यू कैन डू नी पुशअप्स यू कैन डू प्लैंक होल्ड दिस इज अ पुश वर्कआउट एंड देन यू कैन सर्टनली यू कैन डू पुश अपर पुश अपना है तो यू कैन डू पाइक है सुपरमैन पुश अप्स तो पुशअप्स के भी काफी वेरिएशन एंड दिसल डिफरेंट मसल ग्रुप्स डिफरेंट स्किल्स सो आपका कोर बहुत अच्छा टारगेट होगा इसमें आपका

डायनामिक्स मतलब आ, आप उसमें बहुत ज्यादा स्विंग ले रहे हो ओह oh. यस yes, बहुत स्विंग ले रहे हो और आप पुलअप्स कर रहे हो uh. तो वो भी एक हो सकता है देन इफ आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग दैट्स मच ऑन पुलअप्स ठीक है ठीक है और वन आर्म पुलअप भी होता है ओह या दैट इज द एडवांस लेवल अगेन ठीक है ठीक है ठीक है तो ये पुलअप्स में हो सकता है ओके okay. देन uh, ये पुल वर्कआउट हो गया आपका अभी उसके बाद आप अगर जा रहे हो और एडवांस में तो यू कैन डू अप्स ठीक है ठीक है देन यू आर गेटिंग इन टू कोर कैलेस्थेटिक्स अगर आप पुशअप्स पुलअप्स अप्स तक आ चुके हो यू आर गेटिंग कोर कैलस्थेटिक्स ठीक है ठीक है ओके ठीक है और अगर आप वैसे ही लेग्स की बात करो स्टार्ट विद डूइंग स्कॉट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्कॉट इफ यू कैन नॉट डू स्कॉट प्लीज लर्न स्कॉट Because Scott is something that everyone should do, hmm. yeah, mother fitness level, it's not about calisthenics, it's not it's not about gym, it's not about powerlifting, it's not about weightlifting or anything. This is a basic necessity. Okay. A man should be able to sit and stand mm -hmm, by his mm -hmm, own. Mm -hmm. obviously, right? obviously. So Scott is nothing but sitting and standing mm. in a good posture, okay. okay. by keeping your uh, spine erect ha, straight.

डि रिग्रेशन uh, उसका होगा स्टार्टिंग विद चेयर वर्क चेयर चेयर स्कॉट्स एंड ऑल ठीक है उसका प्रोग्रेशन होगा पिस्टल स्कॉट्स व्हाट इज पिस्टल स्कॉट्स डूइंग स्कॉट्स ऑन वन लेग वन लेग स्कॉट्स बोलते हैं ना जो yeah, 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 yeah. वो है फिर उसके बाद आप करो लंजेस uh, करो स्टैटिक लंजेस यू डू गोबलेट स्कॉट्स यू डू बैक स्कॉट्स फ्रंट स्कॉट्स विद वेट ओके यू कैन

I understand. So you gave us a lot of exercises. I think uh, someone who wants to get started with calisthenics, this video will be enough for them. है ना कि ठीक है चालू करो। I hope, hope so. है ना this will be enough for them कि हाँ चलो ठीक है सर चालू कर देते हैं। Now ये मेरे लिए आपने बहुत easy कर दिया अभी। मेरे comment section में आता रहता था how can I start, how can I start। Now I'll send this <laughs> video to everyone that asks me again. calisthenics में I've seen a lot of people do uh, doing shit very फ्लेक्जिबिली और मेरे hmm. को ऐसा लगता है मैंने सुना भी था ये चीज़ कि कैलेसेनिक्स विल मेक यू मोर स्ट्रेंथन एंड फ्लेक्जिबल एट द सेम टाइम आई सीन पीपल डूइंग थिंग्स ऑन दर टू हैंड फिर यू नो बैक्स बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं आई डोट नो इफ आई कैन डू इट आई मीन आई एम प्रसटिफ एंड आई थिंक अट ऑफ पीपल आर प्रसटिफ तो हाउ डू यू बिकम फ्लेक्जीबल फॉर दैट सो अभी कैसा हो रहा है ना देर आर मिथ्स कमिंग अराउंड ये ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है ओके इन टू फिटनेस इंडस्ट्री कि यू शुड नॉट डू स्ट्रेचिंग्स बिकॉज इट विल गिव यू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मसल बिल्डिंग वॉट हाँ ये बहुत गलत फिटनेस में ट्रेंड आया है hmm. कि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस आर टेलिंग टू नॉट डू स्ट्रेचेस बिकॉज इट इज हार्मिंग योर मसल बिल्डिंग तो मैंने एक रील uh, देखी रिसेंटली जिसमें ही सेड कि स्ट्रेचेस करने से आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस लेंदेन हो रहा है विच इज विच इज नॉट गुड फॉर योर मसल हाइपोट्रॉफी बिल्डिंग मसल हाइपोट्रॉफी विच आई थॉट कि इट्स कंप्लीटली ट्रैश यू क्योंकि अगर तुम स्टिफ हो लाइक इफ योर मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड

अगर आप पैसिवली कर रहे हो कोई और आपको स्ट्रेच कर रहा है तो तो हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल वो फोर्स ज्यादा लग गया तो आपका मसल कुछ ब्रेक हो गया राइट राइट, राइट बट अगर आप एक्टिवली कर रहे हो हाँ, तो आपके सीएनएस को वो ऑलरेडी बता देता है हाँ, कि दिस इज हार्मफुल टू स्ट्रेच एट दैट मोमेंट यू शुड स्टॉप अच्छा चलो इसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताता बता भाई। तो देर आर टू थिंग्स सो अभी ऐसा लेते हैं कि द मसल स्पिंडल योर मसल स्पिंडल एक ऐसी चीज है जो आपके सीएनएस को सिग्नल्स देती है कि कितना हो रहा है मसल और है। कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है ठीक है।, है तो अभी ये दोनों है रिलेशनशिप में तो मसल स्पिंडल ने मसल को पकड़ के रखा है जब आप स्ट्रेच कर रहे हो मसल स्पिंडल ने मसल को पकड़ के रखा हैल्डिंग ऑन टू दैट रिलेशनशिप वेरी हार्ड ठीक है बट नाउ द थिंग इज कि वो सी एन एस को बता रहा है कि ये इतना लेन देन मेरे से इतना दूर जाने की कोशिश कर रहा है hmm. क्या करूं मैं hmm. तो सी एन एस बोलता है कि सी एन एस अब यूज सपोज सी एन एस इज दिस्टम स्पिडल तो वो अपनी बहन को जाके सब कुछ बता रहा है uh. कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ मसल स्पिंडल द मसल इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग द लव आई एम गिविंग है ना ठीक, ठीक है तो वो उतना लव वापस रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं तो सिस्टर्स द सीएनएस कि छोड़ दे, जाने दे बट मसल स्पिंडल नहीं छोड़ रहा है ठीक है नहीं छोड़ रहा है वो उधर ही है उधर ही है नहीं छोड़ रहा है फिर बेस्ट फ्रेंड आता है गोलगी टेंडन ऑर्गन ये होता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन द विच एट सम मोमेंट सेज सी एन एस से अभी आ रहा है अभी आ, सिस्टर ने क्या किया दीदी ने बोला, बोला कि मेरे से तो नहीं मान रहा हाँ। मैं बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ इसके हाँ। वो मनाएगा है। तो सी एन एस ने जीटीओ को भेजा हाँ। जीटीओ ने जाके मसल स्पिंडल को बोला कि लिसन इट्स गुड टू समाइम्स लेट sometimes गो ठीक है तो फिर मसल स्पिंडल समझा हाँ। और उसने छोड़ दिया मसल को ओके और फिर वो रिलैक्स हुआ स्ट्रेच हुआ ओके क्या बढ़िया एनालॉजी है भाई तो <laughs> ये होता है हमारे मसल के अंदर ठीक है मसल स्पिंडल एक ऐसी चीज है जो सीएनएस को बताती है कि इतना लेनदेन हो, हो रहा है इतना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल ठीक है तो वो सीएनएस क्या करता है अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक हो रहा है तो वो जीटीओ को भेजता है कि नहीं यू हैव टू गो नाउ अदरवाइज मसल टूट जाएगा बराबर

stretching it for thirty seconds and more than that hmm. आपका flexibility बढ़ेगा oh so that's the analogy behind the muscle spindle and GTO every stretch that you hold you should at least hold it for more than thirty seconds that's only when it is benefiting you बताओ ये कितने सारे कोचों बात किया हूँ मैं किसी ने नहीं, नहीं बताया तो ये बहुत जरूरी है mostly हम देखते हैं gym में से ही स्टार्ट होता है थर्टी हाँ, 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 exactly. सेकेंड से ज्यादा okay, से अगर आपका वो रेंज ऑफ मोशन उतना ज्यादा है सो बेसिकली मसल का दो काम होते है एक हुँ. होता है इलास्टिसिटी और एक होता है वॉज uh, इट सो बेसिकली लेंदनिंग और वापस से कॉन्ट्रेक्टिंग राइट सो इलास्टिसिटी हो गया जब मतलब आप जो कर रहे हो पूरा रेंज ऑफ मोशन तक आने का जितना रेंज ऑफ मोशन है वो हो सकता है ठीक है तो आप मतलब उसको आ, पूरा एक्सटेंड कर एक्सटेंसिविटी यस आई गॉट द वर्ड नाउ कितना एक्सटेंड हो रहा है कितना एक्सटेंड हो रहा है सो द एक्सटेंसिविटी एंड द इलास्टिसिटी कितना एक्सटेंड हो सकता है और वो कितना एक्सटेंड होने के बाद कितना वापस से वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ओके तो ये मेन चीज है तो फ्लेक्सिबिलिटी का यही काम है कि पूरा रेंज ऑफ मोशन हर एक जॉइंट में होना चाहिए ओके सो यू आर सेइंग कि द ओनली वे टू बी फ्लेक्सिबल इज टू स्ट्रेच इज टू स्ट्रेच एंड टू स्ट्रेच इट फॉर मोर देन 30 सेकंड्स मोर देन 30 सेकंड्स ईच मसल नाउ अभी uh, यहां पे भी देयर आर मेनी यू नो वेज ऑफ स्ट्रेचिंग तो फर्स्ट वन इज एक्टिव स्ट्रेचिंग जहाँ पे आप खुद स्ट्रेच कर रहे हो right. Second one is passive stretching, जहाँ पे आपका ट्रेनर आके या फिर कोई अदर आपको स्ट्रेच करवा रहा है ठीक है is है है पे आपका ट्रेनर भी आपको करवा रहा so, अब ये हाथ है। hmm. मैंने यहां तक कर लिया हाँ जी, अब और इसके आगे वो... ट्रेनर करता है पी एन एफ विच इज प्रोप्रियोसेप्टिव Okay. इसमें क्या हो रहा है Active, uh, passive stretchings तो हो रही है। हाँ. आप भी भी कर कर रहे हो, ट्रेनर भी पुल कर रहा है हाँ. अब यहाँ पे आप आप कर रहे हो 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 इसको। हाँ. मतलब आप जो भी muscle आपका ये रहा रहा है, हो रहा है। हाँ जी. उसको आप और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब यू आर ऑल्सो अप्लाइंग द प्रेशर अगेंस्ट इट और वो कोच आपका कोच और पुल कर रहा है ओ, does this help in...

अंडा जब हम तोड़ते है हाँ। उसके ऊपर एक पतली सी थिन होती थिन लेयरिंग होती लेयरिंग है वाइट वाली राइट राइट उसके अंदर होती है हाँ पूरा अंडा उसके ऊपर रैप होता है आ, जब आप करते हो उसके बाद तो वो एक फ्लैश टाइप होता है हाँ जी सेम वैसा हमारे पूरे बॉडी में होता है ओके सो देर आर फाइव फेशिया गो थ्रू आर बॉडी एक होता है एंटीरियर फेशिया ओके एक होता है पोस्टीरियर फेशिया एक होता है लैटरल फेशिया तो दोनों तरफ से एक एक आ गया ठीक है फिर एक होता है फ्रंट आर्मलाइन मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है ओके। okay, और okay. एक होता है स्पाइरल। स्पाइरल स्ट्रेच ठीक है ओके तो ये होते हैं पेशा स्ट्रेचेस तो इनको स्ट्रेच करोगे आप तो योर फ्लेक्सिबिलिटी गुड इन ओके दिस वॉज अफ Give me

<laughs> 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 तो वही मतलब आपका फेशिया स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है आपके लिए हा, 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 हा। अगर आप वो भी कर लो आपका बहुत इंप्रूव हो है। पूरा एक अगर आपका फेशिया ही स्ट्रेच हो गया मतलब आपका कितने सारे मसल ओपन अप हो गए समझ right? गया तो ये हो गया पोस्टर के पोस्टीरियर के लिए एंटीरियर के लिए यू कैन डू अ चक्रासन चक्रासन इट

ओके okay, awesome. तो ट्रायल एरर्स है मुझे yeah. भी नहीं पता था पहले मैं भी वही करता था uh -huh. मैं भी दो, दो, दो मिनट के लिए <laughs> मतलब सेकंड के लिए करता uh -huh. था आई यूज टू जस्ट टच माय टू एंड तो hey, ये yeah. हो गया स्पाइरल के लिए होगा इट्स वेरी सिंपल ओके और उसको पीछे जाने दो तो पूरा लेट योर चेस्ट ओपन अपीटलीम थर्टी है ये okay. हो गया आपका फ्रंट लाइन ठीक है तो एंटीरियर पोस्टीरियर लैटर स्ट्रेचिंग मीन मतलब इफ यू कैन डू ऑल दीज स्ट्रेचेस प्रॉपरलीट मीन्स यू हैव गुड फ्लेक्सीबिलिटी अच्छा ठीक है ठीक है भाई, बहुत बहुत और जा. एक, एक चीज रह जाती है वो है आपका ट्रपेजियस स्ट्रेच करना चेयर और समथिंग एंड देन एक हाथ आपका पे रखे यू कैन स्ट्रेच so, खट guy, आवाज आती है, आ, वो ही है कि खट अगर खटकर के आवाज आ गई तो दिक्कत <laughs> है <laughs> <laughs> okay, okay, okay. कि बॉडी जो है वो जिम में नहीं बनती किचन में बनती है राइट हाउ ट्रू इज दैट

I need to lose weight. No, I am not a nutritionist. Right. right. I am saying this very uh, bluntly. Bluntly, I am mm -hmm. not a nutritionist. Mm -hmm. I haven't studied nutrition. Right. Right. So I might not be the right person to talk about nutrition. Ah. Uh, okay. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी कि आपको अगर वेट लॉस करना है वेट गेन करना है hmm. तो वो आपका एक्सरसाइज से नहीं हो सकता right. Right. सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं हो सकता कैलोरी इंटेक देखना पड़ेगा आपको आपके किचन में घुसना पड़ेगा खुद के लिए बनाना पड़ेगा hmm. और खुद खाना पड़ेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक okay. है तो द थिंग इज कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं hmm. तो बहुत लोग आते हैं और मुझे बता बोलते हैं कि सर कैलेस्थेनिक uh, स्टार्ट करना है आई नीड टू लूज वेट योर एजेंडा इज रॉन्ग ओके एक्सरसाइज शुड नॉट बी समथिंग मतलब वो आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे मैंने कुछ तो खा लिया था कल रात को छोले भटूरे ज्यादा हो गए थे तो मेरे को आज ट्रेडमिल करना है राइट right, ये राइट, नहीं होना trade, चाहिए राइट 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 मुझे ट्रेडमिल करना है क्योंकि मैं 30 मिनट तक भाग सकता हूँ बिना कुछ टेंशन के अग्री लाइक like बिना आप, बिना हाफ कर थर्टी मिनट तक मैं भाग सकता हूँ इसलिए मुझे भागना है राइट right? right? वो आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है राइट right. कि मैं डेढ़ सौ किलो उठा सकता हूँ तो मैं डेढ़ सौ किलो उठाऊंगा पनिशमेंट ah, नहीं है पनिशमेंट नहीं है कि मैं जो डेढ़ सौ किलो उठाना ही है राइट <laughs> right, थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आ गया मेरा <laughs> <laughs> <पाँचो>। <laughs> <laughs> तो right. वो नहीं होना चाहिए राइट ah. right? तो न्यूट्रिशन का काम न्यूट्रिशन करेगा एक्सरसाइज का काम एक्सरसाइज को करने दो, आई एग्री ठीक है आई एग्री तो अभी अगर आप मुझे पूछो कि बेसिक न्यूट्रिशन क्या करना चाहिए बी हाई ऑन योर प्रोटीन इनटेक बी मिनिमल ऑन योर कार्ब्स ठीक है कार्ब्स ऐसा नहीं कि नहीं खाने हुँ हुँ। ये नहीं बोल रहा हूं मैं खा बट थोड़े-थोड़े खाओ. खाओ कम खाने कम खाओ फाइबर इनटेक ज्यादा खाते हैं

इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ठीक है मैंने तीन महीने कर लिया मैं सत्तर से साठ पे आ गया और अब ठीक है अब वापस मैं वा साठ पे रहूंगा मैं ऐसा नहीं होता योर बॉडी इज अ डिरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल यू विल हैव टू चेंज योअर लाइफ स्टाइल टू गेट अट शेप डैट यू वॉन्ट अगर आपने और अपने खाने में अगर आपने पूरे अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूडिंग वर्कआउट वॉट एवर यू आर ईटिंग इफ यू इम्प्रूव टेन परसेंट your body will improve 10%. correct. it's exact uh, proportionate to what you're doing. it's not कि मैंने अभी diet कर लिया तीन महीने के बाद मैं वापस KFC और burgers और ये सारे खाने लग जाऊंगा और मैं वैसे-वैसे you cannot ask for it. it's bad. true. so that that's what I wanted to add. but uh, I agree with you on the diet part. कार्ब्स हमको ढूंढना नहीं पड़ता वो हमारे खाने में अपने आप है रोटी चावल सब्जियां और पता नहीं हमारे यहाँ पे बस प्रोटीन नहीं है प्रोटीन वो बोलते हैं मैं दाल से ले लूंगा इतनी सी दाल खाते हो तुम अच्छा अभी <laughs> अभी इसमें भी बहुत बड़ा ये करते हैं हाँ। वेन्यू से चिकन हाँ जी मैंने लोगों को देखा है पीस छोड़ के ग्रेवी के साथ रोटी खाने तो द फ्लेश प्रोटीन the नॉट द ग्रेवी नॉट द ग्रेवी तो ग्रेवी छोड़ो और फ्लैश खाना है तो प्रॉपर फ्लैश अगर नहीं खाना है तो पनीर पे फोकस करो राइट right. टोफू पे फोकस करो राइट इज गुड पनीर इज गुड स्प्राउट इज गुड स्प्राउट्स इज गुड मेरा सबसे फेवरेट सैलेड है स्प्राउट सैलड लॉट ऑफ फाइबर आपके घट हेल्थ को अच्छा रखता है राइट है ही Yeah. blessing दही yeah. is a blessing I think um, Amul is starting to focus on high protein dairy products now if mm. you have uh, if you have uh, noticed so उन्होंने अभी एक line चालू की उनकी नई I don't think अभी वो uh, retail stores पे आई है but वो online उनके मिल जाती है and they have like high protein दही because

again as you said you're not a nutritionist if you don't want to answer this or you know don't uh, want to see i i would love to answer it हाँ. but uh, I cannot give that assurance that I am 110% correct. हाँ 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 हाँ. <laughs> लेकिन मैं copy के उसको मैं जिसको मैं चाहूँगा. A lot of people say कि soya bean नहीं खाना चाहिए ज़्यादा because it uh, increase like estrogen आपके Aastrogen. body में ज़्यादा हो जाता है. Is that actually true or just a myth? see again telling you that i might not be 110% exactly percent exactly, exactly correct hmm. but uh, for me hmm. i was 7 years pure vegetarian acha okay when i started my fitness journey haan ji theek hai i was for 7 years haan हाँ ji i was proper vegetarian haan. हाँ. and that time i gained like 15 kg of pure muscle mass okay by having soya chunks every day okay and usse to nahi badh raha hai phir estrogen to nahi badh raha hai man boobs to i guess nahi aaye mere ko तो यही यही सबसे बड़ा मैं क्या कि हाँ, कि सोया चंग, चंग से मैन बूम जा रहे हैं हाँ, 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 एक्जेक्टली। हाँ, exactly. तो मेरे तो टच वुड नहीं आए बाकी <laughs> आप अपना देख लो ओके इंटरेस्टिंग थिंग डेट आई फिगर डाउट नाउ व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन दें बिकॉज़ ऑफ़ प्रोटीन टेक ओके वुड यू रिकमेंड सो इट्स कंप्लीटली चॉइस बेस्ड मुझे लगा कि why not try it out okay okay and let's see what it do you think progress now? what do you think now i think that most of the things uh that are getting catered by non-veg mm -hmm. cannot be catered by uh, vegetarian food easily. easily it can be but it's hard but yes the ease in non-vegetarian food is much better mm. than the vegetarian you cannot food. be we are because really, really. maybe seven years i was vegetarian i gained बट नॉन वेज से ज्यादा पॉसिबल है बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग आई एम नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट जितना वो डिप्रेशन में एक एक चीज गिन गिन के खानी पड़ रही है

uh, last week, I believe, last to last week. So uh, Georgia is sort of a part of EU. मतलब it's not a part of EU, European Union yet, but it it is considered Europe uh, for for a large extent. So I met a lot of Europeans there, है ना? The behavioral shift that I've seen in people, it's very different. In India, when we say खाना है, तो क्या है? रोटी है, चावल है. और सब्जी है दाल सब्जी का है कि भिंडी की सब्जी बनी हुई है दाल बनी है तूर दाल

Uh -huh. Of a like meal, when you talk about a meal, how it should comprise of it should be like 70% protein. Mm -hmm. 70 70% oh, protein. Oh, okay. And then 10% uh, of your fibers. Okay. 10% of your um carbs. Mm -hmm. And then remaining 10% of your micronutrients. Hmm. Maybe a little bit of or uh, maybe good probiotics. fats and all. Probiotics, yes. Probiotics. Yes, yes. Probiotics, yes. Okay. Yeah. Makes sense. That's how a proper meal should be. Right. I agree. I agree. And especially the India. The percentage can be a little bit here and there. Ha, ha, ha. But this is how it should be. It should more be. More on agree. protein and fiber, less on carbs, and then good on prebiotics for agree. the gut health. I agree. I agree. I mean, it's largely deficient in India. Protein is so, much That's why we see more obese people exactly. in India.

give expression by your voice mm -hmm. its modulation is just expression but uh, by your voice correct uh, there was the uh, this guy I used to love mm -hmm. him a lot uh, पहले रेडियो पे mm -hmm. आता था 92.7 पे Neilas uh, Misra uh, if you have ever heard him uh, उसका एक ये होता था show होता था uh, I think कहानियों का idiot box by Neilas Misra and uh, उसके बाद पूरी टीम होती थी जो स्टोरी लिखते थे और वो ऐसे ही मॉड्यूल कर करके भाई स्टोरी सुनाता था मेरे को बड़ा मजा आता था मैं बहुत सुनता था वो स्टोरी दैट इज़ वेयर आई पिकड अप लॉट इंटरेस्ट अभी उसका एक पॉडकास्ट चलता है द स्लो पॉडकास्ट नाम है उसका अगर देखना अगर टाइम मिले तो द स्लो पॉडकास्ट बाय नीलेश मिश्रा वो एक बार अगर टाइम मिले तो देखना बहुत बढ़िया इफ़ यू लाइक स्लो कॉन्टेंट गुड स्टोरी टेलिंग यू लव दिस यू लव दैट वन सो आई वॉन्ट टेक

होता hmm. 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 uh, so, uh, ah. है ठीक है सो अगर वो ग्रोथ प्लेट एक सर्टन एज तक ही ग्रो करता है ना देर आर देर असकन्सेपन की पावर लिफ्टिंग से भी ग्रोथ आपकी या हाइट आपकी ब्लॉक होती है क्या लोग वर्कआउट के बारे में भी सेम चीज बोलते हैं कि अगर मैं जिम चला जाऊंगा तो मेरी हाइट ब्लॉक हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी हाँ। तो दिस इज वन कंसेप्ट मिसकंसेप्शन कि पुलअप्स करने से लंबी हो जाएगी हाँ। और वर्कआउट करने से कम हो जाएगी व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग जो मेन uh, क्या कह सकते हैं uh, विक्टम है, uh, जो आपके ग्रोथ का मेन uh, ये है वो है द ग्रोथ प्लेट राइट 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 जो की क्या uh, बढ़ना बो है? हैमर हो गया हांजी तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी और वो कैसे हैमर होती है फिर सो देट कैन बी है

What part of it does genetic uh, uh, plays? What how much role? And how much role does the ability to get good nutrition from the very young age plays? <laughs> क्योंकि I have seen मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो अमीर घर के बच्चे होते हैं ना hmm. वो I am not talking about exceptions but वो generally they are good built height uh, अच्छी होती है generally और उनकी बॉडी का फ्रेम अच्छा होता है एंड आई थिंक इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन जेनेटिक्स इट्स बिकॉज़ दे हैव एक्सेस टू गुड न्यूट्रिशन एज़ वेल बट यस यू टेल मी सो दे हैव एक्सेस टू गुड न्यूट्रिशन दे हैव एक्सेस टू गुड गाइडेंस राइट व्हिच इज हेल्पिंग देम नॉट टू हैमर देयर ग्रोथ प्लेट और मे बी देयर इंजरीज एंड एवरीथिंग राइट तो वही बात मैं बार-बार कह रहा हूं कि

सो बड़े से बड़ा पर्सनल ट्रेनर भी हाईली नॉलेजेबल और हाईली क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर कैन ऑल्सो किस्मत तो बदल नहीं सकता ना वो आपकी अगर इंजरी होनी है आपको तो फिर तो सब कुछ नहीं कर सकता एंड द बेस्ट एथलीट्स हैव है बिगेस्ट है बट दे स्टिल गो थ्रू इट अबाउट माइंडसेट राइट 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 अबाउट दैट if i want to get into charisthenics and i think it's a i know it's a hard sport it's not yeah. that easy to become a human flag it looks maybe uh, easy but how much uh, of that is pure mindset because and i want to uh, follow this with i have joined gym a lot of times hmm. hafta, do hafta, teen hafta. the max i've did is six months six to eight months वो मैक्स है मेरा और मैं उसके बाद कभी भी नहीं गया हूँ लाइक दो चार हफ्ते दो चार हफ्ते उसके बाद वो माइंडसेट जो है शायद वो प्रॉपर नहीं होता हाउ हाउ कैन समवन फोकस ऑन दैट पार्ट सी सो माइंडसेट सेट इज कम्प्लीटली यू नो एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्टिव है हाँ जी हर किसी की अलग अलग होती है राइट right. वीक तो किसी की नहीं होती राइट right. है ना राइट right. बात यह है कि किसी की फिजिकली एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी के लिए बेसिकली मेंटल स्ट्रेंथ तो किसी की कम नहीं होती राइट hmm. right? तो अभी द थिंग इज की इफ यू टॉक अबाउट माइंड सेट इन कैलस्थिनिक्स यू हैव टू है लॉट ऑफ डिसिप्लिन बट उससे पहले करेज बिकॉज तुम्हारी बार के ऊपर चढ़ने के बाद फटनी नहीं चाहिए right. क्योंकि अगर अगर तो 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 वो 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 कीड़ा हर किसी में में, नहीं होता, एथलीट्स आर द अभी अगर वो 1 है होना बहुत जरूरी है यू थिंक एनीवन कैन जस्ट

ंग लाइक टेन टू फिफ्टीन पीटीज और मतलब मेरा अगर मैं इनकम बोलू तो इट वॉज समय अराउंड फाइव लैक्स टू टू लैक्स पर मंथ राइट गॉन एंड वन डे पी एम सी केम एंड दे ब्रोकार जिम ठीक है अब उसके बाद द थिंग वॉज की आई हैवी आई टू पे गाड़ी ली थी मैंने तभी तभी नवीन ठीक है उसके ईएमआई पे करने ओन right. लिया था उसके ईएमआई पे करने फॉर कंटेंट क्रिएशन राइट आईफोन फिफ्टीन प्रो मैक्स ठीक है गाड़ी भी ऐसी नहीं छोटी-मोटी <laughs> अच्छी खासी गाड़ी ली थी okay. उसका ईएमआई पे करने देन माय अदर बिल्स आल्सो फ्रॉम अ गाय हुज अर्निंग 1.5 टू 2 लाख ही वेंट डायरेक्टली टू सम अराउंड 20000 30000 पर मंथ

If someone wants to learn from you, because I'm telling you this, this has been one of the most knowledgeable sessions that I have had around fitness. So thank you so much for that. Uh, how people can get in contact with you? Are you providing coaching services? Do you have a gym? Do you uh, be in a gym? What do you do right now? So, right now,

so whoever wants to get in touch with uh, Simranjeet, not simranjeet <laughs> can go there get in touch with him very knowledgeable guy personally saying uh, a lot of things that i have learned today uh, and this is why i do podcasts, guys so thank you so much bhai thank it was lovely how how did you like it did you i loved the conversation i didn't even felt ki i am shooting something okay or i'm working right now because uh -huh. uh, mostly it's like if i'm on camera i'm working uh -huh. but i didn't feel that okay today, so uh -huh. thank you so much Chalo for that. Thank, thank you so much. much thank you so much for joining okay guys bye bye signing, signing off, off.